नमस्कार दोस्तों, मैं बैजनाथ सोनी आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जेएसएससी मेकर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के क्लास में लेकर आए हैं मैथ सेक्टर का क्वेश्चन। और ये मैथ सेक्टर का क्वेश्चन है एनटीपीसी का, एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो 4 जनवरी को हुआ है उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, ये आज का पहला क्वेश्चन। इसमें है 50,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा वृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करें। इसमें बोल रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो अंतर कैसे निकालेंगे, इसका ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक। अंतर जब पूछे तो हम लोग को करेंगे मूलधन, मूलधन का अंतर करेंगे मूलधन गुना दर, दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, 2 वर्ष का जब बोलेगा निकालने तो उसको निकालेंगे मूलधन गुना दर के स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। अब इस पर बैठा देंगे मूलधन कितना है 50,000, दर कितना है 10% है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। अब नीचे 100 है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 401 में बैठेगा। अब ये 40 से 40 कटा, 100 और 5 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 500। ये कौन सा ऑप्शन आया, बी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, ये है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में है 5,000 रुपये की राशि पर 10% की ब्याज की दर से 3 वर्ष का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। इससे पहले हम लोग 2 वर्ष का निकालना सीख चुके हैं अंतर, इसमें है 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का फॉर्मूला क्या है शॉर्ट ट्रिक में, उसको हम लोग जानेंगे। 3 वर्ष में साधारण पहले 2 वर्ष का अंतर लिखेंगे। 2 वर्ष का अंतर क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्मूला है मूलधन गुना दर का स्क्वायर और नीचे आ जाता है 100 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लगाएंगे, 3 वर्ष पूछ रहा है इसलिए 300 लिखेंगे प्लस दर और नीचे आ जाएगा 100। अब इस पर हल करेंगे, मूलधन कितना है 5,000 गुना दर, दर कितना है 10% है दर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर है 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या 1 में 4 0 गुना 300 में दर जोड़ेंगे, दर कितना है 10% है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 310, नीचे आ जाएगा 100। ये साधारण 100 से 100 कटा, यहाँ पर है 4 0, तो यहाँ पर 3 0 है, ये कटेगा 3 0, ये 0 से 0 कटा। अब गुना करना है क्या चीज़ को, 31 और 5 को, तो 5 एक 5, 5 3 15, 155 आ गया। कौन सा ऑप्शन, ए। इस प्रकार से दूसरा बना। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी के एग्ज़ाम जो 4 तारीख को हुआ था उसमें आ चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं। और ये तीसरा प्रश्न, इसमें है 2 संख्याओं का योग तथा अंतर 25 तथा 15 है, तो इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। 2 संख्या दिया है, मान लेते संख्या ए और बी है, 2 संख्या, पहला संख्या ए और बी, इसमें योग बोल रहा है तो इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, ए प्लस बी बराबर कितना है 25 है। ये 25 दिया है योग, फर्स्ट वाला हुआ 25, अंतर है ये 15, तो अंतर मतलब घटा ए माइनस बी बराबर 15। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये साधारण कैंसिल हो गया, ये कट गया आपस में, ए और ए मतलब 1 है और 1 2 होगा, 2 ए ये आपस में जुड़ जाएगा, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। इसको ए का मान निकाल, ए बराबर क्या हो जाएगा 40/2 बराबर कितना है 20, ए का मान आ गया 20। अब हम लोग ये दोनों में से किसी में भी बैठाएंगे, मान लेते समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 2, अब किसी पर भी बैठाएंगे तो ये बी का मान आ जाएगा। मान लेते हैं ए पर बैठाते हैं इस पर, तो क्या होगा ए, एक मान अब तो हम लोग 20 लिख सकते हैं, 20 + b = 25, बी बराबर क्या हो जाएगा 25, 20 इधर आएगा तो बराबर किस साइड आएगा, तो प्लस वाला है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 25 में 20 कम करेंगे आ गया 5। अब इसमें अनुपात बोल रहा है, तो अनुपात शुरू में क्या है पहली संख्या, और एक मान कितना है, पहली संख्या का मान एक मान 20 है तो 20 लिखेंगे, अनुपात बी का मान कितना है 5, ये कट रहा है काट देंगे एक बार में, और ये 4 बार में, 5 एक 5, 5 चौका 20, तो 4 अनुपात कितना आ गया 1। ये कौन सा ऑप्शन आया,
ये देखते हैं आगे, और ये चार नंबर है, यदि x प्लस वन बाय एक्स बराबर 9 हो तो x स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, जब स्क्वायर रहेगा तो बहुत ही आसान ट्रिक क्या है, ये वाला जो संख्या है इसका स्क्वायर करेंगे और ये वाला जो मान है मतलब दो उसको घटा देंगे। साधारण कैसे बनाएंगे इसको, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना 81 माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 79। ये कौन सा ऑप्शन आया, सी, ये बन गया। ये अब देखते हैं आगे, और ये पांचवा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। हम लोग को निकालना है वृत्त की परिधि, कैसे निकलेगा, पहले जो दिया है इसी से ट्रिक लगाते हैं, क्षेत्रफल है तो हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, ये वृत्त का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा 154 के बराबर, पाई का मान हम लोग जानते हैं क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर 154, इससे क्या मिलेगा आर का मान मिल जाएगा, आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे कुछ नहीं तो वन रहता, इसको करेंगे इससे गुना, ये आया 22 आर स्क्वायर, तो डायरेक्ट आर स्क्वायर लिखे तो यहाँ पर 154 गुना 7 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 22, ये 22 का 22 22 7 7 बार में 154 आता है, आर स्क्वायर बराबर क्या मिला 7 को 7 से गुना करें कितना हो जाएगा 49। अब आर बराबर क्या हो जाएगा, ये 49 का रूट, मतलब रूट अंडर 49 आएगा आर बराबर, इसलिए आर बराबर इतना आया। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 7, यह आ गया 7 सेंटीमीटर, आ गया क्या चीज आर, त्रिज्या आया। अब हम लोग जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr, 2π का मान कितना है 22/7, और r कितना है 7, 7 से 7 कटा, 22 को करेंगे 2 से गुणा कितना हो जाएगा 44, ये 44 आ गया, कौन सा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, और ये छठा प्रश्न, इसमें है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें एक त्रिभुज की ऊंचाई दिया है तो और हम लोग को निकालना है दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई, दोनों का क्षेत्रफल दिया गया है, तो इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है, पहले इसको लिखेंगे 64 और ये वाला इसके नीचे 121 आ जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई एक दिया है h, इसको लिखेंगे 16 और दूसरा को h मान लेंगे, इसका हम लोग निकालते हैं स्क्वायर। अब इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा ऐसे 64, और यहाँ पर आ जाएगा 121, यहाँ पर क्या 16 और यहाँ पर 4, अब इसका वर्गमूल कितना 64 का 8 आ जाएगा, 121 का 11, यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ पर कितना हो जाएगा h, ये है h, क्योंकि हम लोग ऊंचाई निकालना है। अब ये कटेगा 8 का 8, 8 2 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे गुना होगा, 1 को करेंगे इससे गुना तो क्या हो जाएगा h ही रहेगा, 11 को करेंगे 2 से गुना तो क्या हो जाएगा 22, इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन आया सी, हम लोग ऊंचाई निकल का आया 22 सेंटीमीटर। यह आज की क्लास का आखिरी प्रश्न सातवां, इसमें है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया है उसको, इसमें बोल रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 20 को लिखेंगे, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस CP बराबर है क्या 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 25 लिखेंगे, वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस SP। ऐसे अब इसमें क्या कर सकती है, कट सकता है 5 के पहाड़ा में 4 बार, 5 चौके 20, 5 के पहाड़ा में 5 बार 50 25, अब इसमें क्या हो गया, यहाँ पर बच्चा 4 CP, यहाँ पर 5, ये SP है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो संख्या दिया गया है ये 5, इसको लिखेंगे इधर ले आएंगे तो ये क्या आ जाएगा बट्टा में 4 आया, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या कर सकते हैं, ये CP है, इसको लिखें,
अब इसके बटन में क्या हो जाएगा, एसपी मतलब सीपी, इसका कॉस्ट प्राइस है 5 रुपया, क्रय मूल्य है 5 रुपया, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य जो है इसका 4 रुपया। तो 5 रुपया में खरीद कर बेच रहा है 4 रुपया में, तो उसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। कितना, 1 रुपये का, 1 रुपये का घाटा जा रहा है। तो इसी का हम लोग को क्या निकालना है, प्रतिशत निकाल देना है। जो करना था हम लोग यही सवाल में यही बोला है, प्रतिशत हानि ज्ञात करें, हानि प्रतिशत या प्रतिशत हानि एक ही है, तो उसको भी निकालना है। तो एक से निकालेंगे तो पहले जो है उसको निकालेंगे एक, अब किस पर निकालेंगे, जो मूल पर है सीपी उस पर, तो सीपी कितना है 5, और कितना प्रतिशत, इसलिए क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। अब इसको काट देंगे, 5 एक 5, 5 दूना 10, 0 बराबर क्या हुआ 20% आ गया। कौन सा ऑप्शन आया, बी। इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोग जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ 4 तारीख को, 4 जनवरी को, उसका क्वेश्चन देखे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।